नमस्ते, ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज के तीन प्रश्न, क्या पेगासस बनेगा विपक्षी एकता की धुरी? दूसरा, क्या अब संसदीय संस्थाएं निष्पक्ष रह पाएंगी? और तीसरी बात, क्या सीबीआई की तरह होगी दिल्ली पुलिस? मैं इन प्रश्नों पे आगे बढ़ूं उससे पहले मैंने कल एक जो मिजोरम और असम के बीच में एक खराब वो हुई, मैं उसको दुर्घटना ही कहूँगा, जो दोनों पुलिस ने आपस में एक दूसरे के ऊपर हमला किया, उसमें मैं जब जनसंख्या का डिटेल दिया था तो वो उन छः राज्यों का, असम को छोड़ के जो छः नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उनका कुल जनसंख्या 1,55,00,000 थी। वो कल शायद मैं उस प्रभाव में मैं उसको 155 करोड़ बोल गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वो एक शायद 155 करोड़ गलती से कह गया था। अब आ जाते हैं अपनी मुख्य बात पे, क्या पेगासस बनेगा विपक्षी एकता की धुरी? चक्कर क्या है कि दो तीन चीज़ें हो रही हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने MPs की एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में देश का प्रधानमंत्री, मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि देश का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है उन लोगों से। वो कह रहे हैं वहाँ से, जो पेपर में जो रिपोर्ट छपी उसके हिसाब से, कि आप कांग्रेस और ऑपोजिशन को बेनकाब कीजिए। क्या बेनकाब कीजिए? उनको जनता और मीडिया के सामने उनका असली चेहरा लाइए। क्या असली चेहरा है? और वो ये भी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस को जो डिसरप्टर ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स है उसको बताइए सबको। डिसरप्टर ऑफ पार्लियामेंट अगर आप हो तो ये हमारे गृह मंत्री ने भी कुछ दिनों पहले इसको यूज़ किया था, जैसे वो जो टूल किट बोले जाते हैं ना, इस टूल किट का शायद हिस्सा है, एक ही जगह से सब बनती हैं। मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है जो वो कांग्रेस उसको कह रहे हैं, वहाँ कांग्रेस नहीं, कांग्रेस में एक ही व्यक्ति है राहुल गांधी, जिससे सबको, इनको, इन लोगों को दिक्कत है, पूरे भाजपा को दिक्कत है। उसको एक तरफ उनको डेरोगेटरी रिमार्क भी देते हैं, लेकिन दूसरे अगर वो कुछ भी बोल दें तो पूरी पार्टी तिलमिला जाती है। क्योंकि पिछले के दिनों में अगर आप देखिए तो जहाँ तक पार्लियामेंट के अंदर हल्ला गुल्ला मचाने की बात है, उसमें एज अ पार्टी तो मुझे लगा तृणमूल कांग्रेस ने बहुत हल्ला गुल्ला मचाया। जो अभी भी वो जो उनके हाथ से वक्तव्य ले लिया, फाड़ दिया। और दूसरा, एज एन इंडिविजुअल जो हल्ला गुल्ला थोड़ा पिछली बार मचा, वो संजय सिंह ने, वो जो थोड़ा समाजवादियों की तरह से उन्होंने हल्ला गुल्ला मचाया, जिससे आवाज़ भी हुई। और संसदीय मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए मैं मनोज झा को बोलूँगा, मनोज झा ने भी अपनी बात बहुत ठीक ढंग से कही, लाशों की बात जब उन्होंने कही। इन सब के बीच दो चीज़ें मैं जल्दी से बता दूँ। एक तो कल क्या हुआ कि जब ये मोदी जी तो अपनी बात ये सब कहे कि अपने MPs को उन्होंने कहा कि ऐसे ठीक करो, बेनकाब कर दो, उसके जवाब में 14 ऑपोजिशन पार्टीज जो थी उन्होंने एक आपस में सलाह मशवरा किया, और फिर वो पार्लियामेंट से विजय चौक तक उन्होंने एक सांकेतिक मार्च किया, और वहाँ पे जाके उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। अब वो बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि भाई संसद में हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है, हम तो डिस्कशन चाहते हैं नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उस 14 में मैं बता दूं, जो लोग गए थे उसमें तृणमूल कांग्रेस नहीं थी, लेकिन उसका गलत संकेत ना समझें, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल, वो दिल्ली आई हुई हैं, उनके जो MPs हैं वो बिजी थे उसमें। और दूसरा ये है कि मैं जल्दी से एक मिनट में, ममता बनर्जी अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही हैं कि कैसे ये जो BJP और नरेंद्र मोदी जी का जो इलेक्शन वाला कैंपेन होता है उसको कैसे रोका जाए। वो दिल्ली आई, वो सोनिया गांधी से भी मिली, वो विपक्ष के अरविंद केजरीवाल से भी मिली, वो तमाम नेताओं से मिली, उन्होंने वो किया, वो प्रधानमंत्री से भी मिली अपने बंगाल के जो भी था प्रोटोकॉल के हिसाब से। और उनका एक कल बहुत अहम स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि मैं कार्यकर्ता की दृष्टि से कर रहा हूँ, अभी ये नेता की बातें नहीं है, अभी होने तो दीजिए, अभी इस विपक्षी एकता को कुछ होने दीजिए, फिर इसकी बात कर लेंगे हम। उसमें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की जा रही थी तो बहुत पॉइंटेडली, बहुत ही मतलब शार्पली राहुल गांधी दो ही बात, उस जब ये 14 पार्टीज का जो डेलीगेशन वहाँ तक पैदल मार्च किया था, वो एक ही चीज़ कही जा रही है, और वो वही नहीं कह रहे हैं, पूरा देश ये पूछ रहा है कि भाई सरकार ने पेगासस खरीदा था, हाँ या ना, या तो कहिए खरीदा था या नहीं खरीदा था। और दूसरा, सरकार ने ये जो पेगासस है ये अपने लोगों पर यूज़ किया, इसका जवाब दीजिए हाँ या ना। जब अपने लोग कह रहे हैं तो वो चाहे
जुडिशरी हो, वो चाहे सीबीआई हो, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो चाहे जर्नलिस्ट हो, ये पूछा जा रहा है। इस यही दो प्रश्न हैं। और इस प्रश्न पे जब संसद में कहा जा रहा है कि बहस कर लो, तो बहस होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये देखिए हर चैनल पर, आपको याद हो पिछले दो तीन दिन में हर चैनल पर जो भी बीजेपी का प्रवक्ता आ रहा है वो बता रहा है कि कैसे उनका तृणमूल कांग्रेस के उन्होंने मंत्री जी के हाथ से वक्तव्य ले लिया, उसको फाड़ दिया, और हम तो चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा ही नहीं होने दे रहे हैं, पार्लियामेंट ही चर्चा की जगह है। अब ऑपोजिशन कह रहा है चर्चा करो, ये चर्चा कैसे भाग रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी बातें कल कुछ लोग, रामगोपाल जी बोले वहाँ, संजय राउत बोले हैं शिवसेना वाले उसी समय, और इन लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कही। इन्होंने कहा कि नेशनल, ये जो पेगासस है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, और आप पार्लियामेंट में जो नेशनल सिक्योरिटी से बड़ी क्या चीज़ है अगर आप ये नहीं डिस्कस करेंगे तो आप क्या डिस्कस करना चाहते हैं, मतलब कुछ बताइए तो कि आप वहाँ क्या डिस्कस करना चाहते हैं। जो सुप्रिया सूले हैं उन्होंने कहा कि भाई ये हम लोग घरों की पत्नियां बच्चों की जासूसी हुई है, तो ऐसे सरकार नहीं कह सकती कि नहीं नहीं हमसे वो मतलब नहीं। जो मनोज झा थे उन्होंने कहा कि भाई ऑपोजिशन जो है वो करीब 60% विपक्ष, देश की 60% जनता को रिप्रेजेंट करता है, और उसकी आवाज को आप कैसे दबा सकते हैं, आप उसको कैसे कह सकते हैं नहीं हम आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। और मनोज झा ने एक बड़ी बात और कही है, उन्होंने कहा है कि लोग तो रास्ता ढूंढेंगे लोकतांत्रिक ढंग से, और अगर लोकतांत्रिक ढंग से आप उनको रास्ता नहीं देंगे तो वो फिर दूसरे रास्ते भी खोजने लगेंगे, ये भी उन्होंने कहा। क्योंकि एक चीज़ देखिए, एक चीज़ ये समझने वाली है, सरकार जिस ढंग से बिल पास कराती है, पिछले इस बार भी आप देख रहे हैं, तो क्या ये संसद का सत्र केवल बिल पास कराने के लिए बुलाया गया है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं किया जाएगा? और जब सारी ऑपोजिशन पार्टी कह रही है कि पेगासस पे डिस्कशन करो, तो आपको दिक्कत क्या है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार जितना भाग रही है इस डिस्कशन से, बात करने से, वो मुझे ठीक से याद है, स्पष्ट याद है बोफोर्स वाला जब कांड हुआ था, कि वो बोफोर्स जब हुआ तो बहुत से अलग अलग जगह के लोग, मतलब वो एक तरफ भाजपा और एक तरफ कम्युनिस्ट, एक तरफ चंद्रशेखर जी, एक तरफ वीपी से, मतलब कांग्रेस का एक, ये सब लोग निकल के एक जगह, तो मुझे लगता है कि विपक्ष के पास इस समय एक ऑपोजिशन की यूनिटी की धुरी ये बनता जा रहा है, क्योंकि समहाउ किसान आंदोलन सबने कहा लेकिन वो उतनी बड़ी धुरी नहीं बन पाया। कोरोना का मिसमैनेजमेंट हुआ, बहुत से लोग मरे, लोगों का गुस्सा है, लेकिन वो धुरी नहीं बन पाया। लेकिन शायद मेरे हिसाब से पेगासस ऑपोजिशन पार्टीज का कम से कम मुद्दा होगा, इलेक्शन का मुद्दा जरूर कोरोना मैनेजमेंट होगा, लोगों के घर में जाने गई हैं, किसान आंदोलन जरूर मुद्दा होगा, लेकिन ऑपोजिशन यूनिटी का कारण मुझे लग रहा है कि पेगासस बनने की काफ़ी संभावना है। क्योंकि अगर आपको कुछ छुपाना नहीं है तो आप डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इससे ये लगता है कि आप कुछ ना कुछ छुपाना चाहते हैं। अब हम लोग दूसरी बात कर लेते हैं कि क्या आप संसदीय संस्थाएं निष्पक्ष रह पाएंगी, वो मैं किस रेफरेंस में कह रहा हूँ। शशि थरूर आईटी मिनिस्ट्री की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, हर मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी होती है जहाँ पे जो बिल पास होना होता है या जो उसके कार्य होता है उसका डिस्कशन होता है, और उसमें ऑल पार्टीज वाले होते हैं, और सीनियोरिटी के हिसाब से वो पहले से तय हो जाता है कि भाई इसके चेयरमैन ये होंगे, इसके चेयरमैन ये होंगे, जॉइंट पार्लियामेंट का हाउस, मतलब हर जगह की डिफेंस मिनिस्ट्री हर मंत्रालय की होती है, और उसमें जो MP लोग हैं वो अपनी राय देते हैं, वहाँ पे विभाग के सचिव और विभाग के लोग आके बताते हैं कि अगर कोई क्लैरिफिकेशन है कि भाई ये इस वजह से, ये एक आम चर्चा का विषय होता है वहाँ। उसी तरह से IT मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी है जिसके चेयरमैन शशि थरूर हैं, उसके 31 सदस्य हैं, और कल जब ये मीटिंग हुई तो इस पे पेगासस की बात करनी चाहिए। अब इस पे शशि थरूर साहब जब इस पे बैठे और उसको चेयर किए, तो शशि थरूर साहब ने उससे पहले भी एक स्टेटमेंट दे चुके हैं, और उसको मुझे लगता है उसी को सुन के इन लोगों के को दिक्कत थी। उन्होंने कहा था कि JPC की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका कहना था कि जो JPC के पास जैसी पावर्स हैं वही पावर्स स्टैंडिंग कमेटी के पास होती है, तो इसलिए ये सारे मसले हम स्टैंडिंग कमेटी में ही बात कर लेंगे पेगासस की। और एजेंडा में था सिटीजन डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ये वहाँ पे डेटा था।
अब इसको क्या किया कि बीजेपी के जो मेंबर्स थे वो आके उपस्थित तो हुए, लेकिन उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम रजिस्टर पे साइन नहीं करेंगे। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि कोरम पूरा नहीं हुआ। 31 में से कम 10 लोग होते तो शायद कोरम पूरा होता, 1/3 होना चाहिए था, या 10 या 11। केवल 9 लोगों ने ही साइन किया। बीजेपी वाले उपस्थित रहे लेकिन बीजेपी और उनके, लेकिन साइन नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि हम इससे साइन नहीं करेंगे। और ये उन्होंने साफ साफ कहा क्योंकि हम साइन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस कमेटी का जो इंटेंशन है वो पेगासस पे बातचीत करना है। अच्छा, ये अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आईटी मिनिस्ट्री है, अगर वो पेगासस पे बात कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है भाई? कोई खराब चीज पे बात कर रहे हो, कोई मान लीजिए भाई ये वो है, वो एनवायरनमेंट की कोई बात कर रहा हूं तो आप कहें कि नहीं एनवायरनमेंट पे क्यों बात कर रहे हैं, तो मिनिस्ट्री है। मतलब अगर वो पेगासस की स्पाइंग पे बात कर रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आईटी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, आईटी मिनिस्ट्री के मंत्री ने उसमें वक्तव्य दिया है। और इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को भी बुलाया गया था क्योंकि ये भी एक स्टैंडर्ड हुआ है कि वो लोग आते हैं, अपना वक्तव्य देते हैं। अब इनको ये था कि इनको इसलिए बुलाया गया था कि जो स्नूपिंग चार्जेस लग रहे हैं उसको बताने के, उनसे पूछना था कि भाई ये क्या है और क्या नहीं है। लास्ट मिनट में, ऐसा कहा जा रहा है करीब 1 घंटा पहले, इन ऑफिसर्स ने आने की असमर्थता, दे सेड कि हम लोग इस समय, हम लोगों के पास कुछ और काम है, हम लोग नहीं आ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं 1 घंटा पहले कहां से किसने कहा होगा और कैसे क्या हुआ होगा। क्योंकि वो भी इंटरेस्टिंग है कि ये नहीं था कि मीटिंग 2 घंटे के नोटिस पे वो गई थी, वो भी मैं बताऊंगा कि मीटिंग कब बुलाई गई थी। अब मीटिंग इंडेफिनेट टाइम के लिए पोस्टपोन हो गई है, कोई नई डेट नहीं मिली है। ट्यूजडे को 27 तारीख को लोकसभा के स्पीकर को अप्रोच किया गया इन भाजपा के सदस्यों द्वारा और उन्होंने कहा कि शशि थरूर को आप इसकी चेयरमैनशिप से हटा दीजिए। क्योंकि कारण दिया क्योंकि वो पेगासस का इशू टेक ओवर करना। मतलब मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब माननीय लोग हैं, इनको, इनके नाम के आगे माननीय जोड़ा जाता है, देश की सुरक्षा की बात है, कोई अनर्गल बात नहीं है, उस इशू को ले जाके आप लोकसभा के स्पीकर से कह रहे हैं कि नहीं नहीं इनको इसलिए हटा दीजिए क्योंकि ये स्पाइंग वाला वो यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं। एक निशिकांत दुबे जी हैं, वो एक प्रिविलेज नोटिस ले आए हैं फॉर रिमूवल ऑफ शशि थरूर और वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने बिना पूछे पैनल से, स्टैंडिंग कमेटी से, एजेंडा में इसको डाल दिया। और वो ये भी कह रहे हैं टू प्लीज पॉलिटिकल मास्टर्स, अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को। तो जरा एक चीज़ ये भी बता दीजिए निशिकांत जी, आप ये जो प्रिविलेज नोटिस लाए हैं ये आप क्या अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए लाए हैं? क्योंकि ये जो बुधवार को आईटी की के मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होनी थी, ये आपको तो पता ही है लेकिन बाकी लोग भी जान लें, इसका एजेंडा लोकसभा सचिवालय से 1 हफ्ता पहले ही जारी कर दिया गया था। ये कोई एकदम से नहीं थी कि एकदम से वो हो गई, तो इसलिए जो मंत्रालय के अधिकारी थे उनको भी पता था, ये सबको पता था कि देर इज अ मीटिंग, लेकिन किसी के डायरेक्शन पे इसको नहीं किया गया। इस मैं जल्दी से बता दूं, निशिकांत जी के अलावा कार्ति चिदम्बरम और महुआ मैत्रा भी इसके मेंबर हैं और इन लोगों ने भी बहुत सख्त शब्दों में कल इसमें कहा है कि भाई इस तरह से जो चलाया जा रहा है वो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, वो इसको दे आर ट्राइंग टू स्ट्रैंगल दिस, वो गला घोटने जा रहे हैं इस तरह की कमेटी में इस तरह की बातें करने का। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे आ जा रहे हैं, क्या सीबीआई की तरह होगी दिल्ली पुलिस? और उसका एक कारण है जो मैं कह रहा हूँ। राकेश अस्थाना साहब आप सबको याद हैं, राकेश अस्थाना साहब वही जिनका और आलोक वर्मा का सीबीआई डायरेक्टरशिप पे कितना झगड़ा हुआ था आप सबको याद है, 1984 बैच के गुजरात काडर के आईपीएस अफसर हैं, वर्तमान में वो डीजी बीएसएफ हैं और साथ में उनको एक एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। वो एडिशनल चार्ज उनका हेड ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वही है जिसको आजकल ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है, सुशांत सिंह केस में भी यूज़ किया गया, नया है, जरा नारकोटिक्स ले आओ तो इसमें एक एंगल बन जाता है और फिर उसमें जल्दी जमानत नहीं होती है, ये उसके भी हेड है। तो सर्वगुण संपन्न है, इनका रिटायरमेंट 31 जुलाई को होना था, अभी 31 जुलाई 4 दिन बाद। इनको 4 दिन पहले सरकार ने
दिल्ली पुलिस का मुखिया बना के इनको सर्विस एक्सटेंशन दे दिया है। अब दिल्ली पुलिस जो नॉर्मली अरुणाचल गोवा मिजोरम यूनियन टेरिटरी काडर जो है AGMUT बोलते हैं उसको आम भाषा में, उस काडर के अफसर ही जो यूनियन टेरिटरी के काडर के अफसर होते हैं वही पोस्ट होते हैं नॉर्मल कोर्स में और उन्हीं का अपॉइंटमेंट होता है। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है जो जिसके जिसके जिसकी सदारत जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं उन्होंने राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का मुखिया बना दिया है और उसमें कहा गया है कि इनकी सर्विस को एक साल के लिए बढ़ाया गया है क्योंकि चार दिन बाकी थे या फर्दर ऑर्डर्स जो भी पहले आ जाए, तो मतलब अगर कभी भी चाहेंगे तो ऑर्डर निकाल देंगे और इनसे कहेंगे अच्छा थैंक यू। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो CBI डायरेक्टर के लिए ये क्यों नहीं कंसिडर किए गए थे। अगर आपको याद हो उस समय CGI जो रमणम साहब थे वो जब उस कमेटी में बैठे वो भी उसके सदस्य थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री को याद दिलाया था कि इनको इसलिए कंसिडर नहीं किया सकता है क्योंकि इनका 6 महीने से कम सर्विस रह गई है और रूल के मुताबिक अगर 6 महीने से कम सर्विस हो तो उसको कंसिडर नहीं किया सकता, इसीलिए वो CBI के डायरेक्टर के लिए भी कंसिडर नहीं किए गए थे। अब थोड़ी सी क्या अब लोग पूछेंगे भाई अगर अस्थाना साहब बन गए हैं तो दिक्कत क्या है, व्हाट इज रॉन्ग, दिक्कत कह लीजिए या जो प्रश्न उठ रहे हैं वो जरा सुन लीजिए। पहली चीज तो ये है कि ये AGMUT में मतलब इस काडर में आए हैं जिस काडर का उनको कोई ज्ञान नहीं है। पुलिस और न्यायपालिका में फर्क होता है, जैसे UP काडर का जो अफसर है अगर वो जब DGP बनता है तो वो UP की भौगोलिक चीज़ों से जानता रहता है, यहाँ का मिजाज, यहाँ के वो, यहाँ के क्रिमिनल्स, यहाँ की अच्छी बातें, यहाँ की बुरी बातें, यहाँ का इन्वेस्टिगेशन, यहाँ के पुलिस थाने। इनको बना गया दिया गया है दिल्ली पुलिस का मुखिया, इनको दिल्ली पुलिस का क्या ज्ञान है। तो आप ये कोई देखिए न्यायपालिका में अलग बात होती है क्योंकि वो ये माना जाता है कि उसको न्यायपालिका वाले को नीचे का पता नहीं होना चाहिए, ही शुड बी एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। लेकिन पुलिस में इसका जस्ट उल्टा है, पुलिस को अपराधियों को रोकना है वो सब करना, तो उसको वहाँ का बेसिक टेरेन, वहाँ की बेसिक लोगों का मिजाज, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर, वहाँ के थाने, वहाँ के किस तरह के अपराध होते हैं, कहाँ क्या पकड़ा जाता है, ये सबका ज्ञान होना चाहिए। इनको फील्ड ज्ञान दिल्ली पुलिस का तो कुछ नहीं है, तो पहला ऑब्जेक्शन तो ये है। दूसरा ये है कि ये जो अरुणाचल गोवा मिजोरम यूनियन टेरिटरी काडर है AGMUT, क्या उसमें कोई भी काबिल अफसर नहीं रहे कि आपको एक बाहर से एक अफसर इंपोर्ट करना पड़ रहा है। भाई इनडायरेक्टली ये मैसेज भी तो जा रहा है ना कि देयर इज नो वन कॉम्पिटेंट टू बिकम दिल्ली पुलिस चीफ। नॉर्मली तो ये होगा ना कि उस काडर में से ही किसी को बनाया जाए, एक मैसेज ये भी गया है। और मेरे हिसाब से जब आपने ये काम किया है तो आपने उन सारे अफसरों को जो इसके लिए एलिजिबल थे उनको डीमोटिवेट किया है। इट इज़ अ डीमोटिवेटिंग इफेक्ट फॉर ऑल दी AGMUT काडर ऑफिसर्स। अब आप जरा इनकी इमेज सोच लीजिए क्या है, ये CBI में क्या क्या हरकत करते थे, इनके ऊपर FIR लगी हुई थी, आलोक वर्मा CBI डायरेक्टर ने FIR कराई थी करप्शन केसेस लेके, हालांकि बाद में बरी हो गए थे वो अलग बात है लेकिन लगी थी। तो इनकी इमेज कितनी साफ सुथरी है ये भी सबको पूरे देश को ही पता है। अब एक और इस ऑर्डर में बड़ा मतलब बहुत चालाकी से लिखा गया है कि योर टर्म इज एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर और टिल फर्दर ऑर्डर्स विच एवर इज अर्लियर। तो कल के दिन अच्छा पेगासस इनके ऊपर भी लगा था, तो कुछ इनकी हरकतें जान के कि भाई जो भी ईगो था उसको उस फीडबैक के साथ ही इनको बनाया गया तो माना जा रहा है कि अच्छे वो हैं, लेकिन फिर भी वो हाथ में अपने रखा गया है कंट्रोल कि अगर किसी दिन मेरा मन किया कि आपने मेरे मन मुताबिक काम नहीं किया है तो टिल फर्दर ऑर्डर्स, उसी दिन से आपकी सर्विसेज समाप्त, क्योंकि ये तो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट में ही है। और एक चीज़ मुझे अंत में समझ में नहीं आती है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर की उसमें जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी हैं और इस अपॉइंटमेंट को भी प्राइम मिनिस्टर ने किया, वहाँ बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर 6 महीने से कम आपकी सर्विस रह जाती है तो यू कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे 4 दिन की सर्विस रह गई थी, आपने उनको कंसिडर कैसे किया, मतलब ये भी एक समझने वाली बात है। CBI डायरेक्टर इसलिए आप नहीं बन सकते हैं क्योंकि आपकी 6 महीने से कम सर्विस है, दिल्ली पुलिस की आप हेड इसलिए बन जाते हैं क्योंकि 4 ही दिन की है,
तो क्या आप यहाँ पे वो ऑर्डर नहीं लागू होगा? ये सारे प्रश्न हैं जो अनुत्तरित हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को जितना ट्रांसपेरेंट हो उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे तो आपके जो भी निर्णय होंगे उस पर प्रश्न तो उठेंगे ही। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।